आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अ कार कैन पुल अ ट्रेलर ऑफ टॉयज इट्स मास अप अ सर्टेन स्लोप एट मैक्सिमम स्पीड वी। तो एक स्लोप है अगर मान लो, तो उसमें एक की अपनी कार है, तो ये अगर एम मास की है, एम सी मास की है, तो ये एक ट्रेलर जो कि 2 mc मास का है, इसको पुल कर सकती है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी। ठीक है, अभी कह रहा है विदाउट द ट्रेलर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार अप द स्लोप इज 2v। और बिना इस ट्रेलर के ये कार जो है ये चढ़ती है 2v स्पीड से, और कार का मास mc मान लो। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस टू द मोशन इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो एक रेजिस्टेंस है जो मोशन में, जैसे कि एयर ड्रैग लगते हैं, और ऐसे ही एयर ड्रैग मान लो एक रेजिस्टेंस है, तो वो जो है प्रोपोर्शनल है अपना मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो वी स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूँ रेजिस्टेंस जो लग रहा है कुछ, वो के टाइम्स एम वी स्क्वायर का कुछ लग रहा है ना। अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस अपने पूरे मोशन में लगता रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ द कार स्टार्ट्स विदाउट ट्रेलर टू मूव डाउन द सेम स्लोप। अब अगर कार बिना ट्रेलर के स्लोप में नीचे जा रही है, यहां से ऐसे सेम स्लोप विद इट्स इंजन शट ऑफ, मतलब इसका इंजन जो है बंद है, तो कह रहा है प्रूव दैट इवेंचुअली इट विल एक्वायर अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो ये प्रूव करो कि ये किसी कॉन्स्टेंट स्पीड पे आ जाएगी कभी ना कभी, और पूछ रहा है फाइंड दिस स्पीड। तो अपन मान लेते हैं ये बाद में vt स्पीड तक आ जाएगी कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो अब ये जो अपन को पहली कंडीशन दी गई है, तो जैसे कि इतना मास है, 3 mc मास है इस पूरी गाड़ी का, और v स्पीड से चढ़ सकती है, और अगर mc मास है तो 2v स्पीड से चढ़ सकती है। तो जो चीज़ अपन को पहले दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वो है गाड़ी जो है किसी कॉन्स्टेंट पावर से ही चढ़, उसका इंजन कुछ कॉन्स्टेंट पावर ही जनरेट कर सकता है। तो इस केस में, और गाड़ी का इंजन तो अपन मान लेते हैं पी पावर ही जनरेट कर सकता है, और इस केस में जो पी पावर होगी वो आ जाएगी इस गाड़ी का टोटल मास, जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी फोर्स जितना इस गाड़ी पे लग रहा है इनटू वेलोसिटी, वी स्पीड से चल रही है। तो फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स आएगा यहाँ पे कितना लग रहा है, मान लो इस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जी कुछ ए एक्सेलरेशन लगा रहा है, और जो आर ये अपना रेजिस्टेंस फोर्स है, फोर्स है ये भी कुछ आर फोर्स लगा रहा है, फोर्स है ये। ठीक है, तो ये आर रेजिस्टेंस फोर्स है, आर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। तो जो अपना एफ आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल मास, मास कितना है 3 mc इंटू एक्सेलरेशन जो लग रहा है, और प्लस अपना के 3 mc इंटू वी स्क्वायर, इसका इंटू वी जो है ये अपनी पावर जब ये ऊपर चढ़ रहा है ट्रॉली लेके, इतनी पावर लगानी पड़ रही है ना। ये क्या है, एयर ड्रैग का फोर्स है ये, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और ये इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पावर आ गया। तो इस केस में वैसे ही अपन इस केस में भी लिख सकते हैं, तो जो पावर होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम सी फोर्स है, एम सी मास है, और ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ए एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन का जी, अगर कोई थीटा पे है तो जी कॉस थीटा ही पीछे की तरफ लगेगा, तो एम ए मना है ना, और ठीक है फिर प्लस के इंटू एम सी वी स्क्वायर टाइम्स 2v की स्पीड से चढ़ सकता है अब, तो 2v, तो 2v की स्पीड से जब चढ़ सकता है तो यहाँ पे जो v है ना ये भी 2v होगा, तो यहाँ पे इंटू 2v का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो है प्लस k टाइम्स एम सी इंटू 2v का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो अपनी यहाँ पे पावर आ रही है वो आ रही है एम सी इंटू ए प्लस 4 mc k v स्क्वायर इंटू 2v। ठीक है, अच्छा अब अपना क्या हो गया, यहाँ से पावर ये आ गई और यहाँ से पावर ये आ गई, अब ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। ठीक है, हम इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ,
तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 MC into A + K into 3 MC into V² into V / MC into A + 4 MC KV² into 2V, ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो V से V कैंसिल, MC कॉमन लेके पूरा कैंसिल कर देते हैं, मास पूरा MC जो है वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से जो अपनी इक्वेशन आ जाएगी, और ये नीचे वाले टर्म को उधर ले जाएंगे यहीं पे, तो 3A + 3KV² = A2A + 8KV² है ना। तो अब ये ए वाले को इधर लगे तो A = 5KV² आ गया है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो 5KV² के बराबर लग रहा होगा। ऐसे ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन को पहली चीज क्या प्रूफ करनी थी कि ये इवेंचुअली किसी कांस्टेंट स्पीड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए कभी ना कभी ये कांस्टेंट स्पीड से आएगा, अपन अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ कि ये अपनी गाड़ी है ना, ठीक है। इस पे जब ये सिर्फ अकेली नीचे जा रही होगी तो इस पे MA फोर्स यहाँ लग रहा होगा, और ड्रैग फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा KMV², ये बढ़ रहा होगा है ना। V V मैंने यहाँ लिया है तो मैं इसको VT कर देता हूँ है ना। अब ये क्या है, MA क्या है, पहले जब अपनी गाड़ी रेस्ट पे होगी तो MA की वैल्यू तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि ये चीज तो रेस्ट पे जीरो होगी। रेस्ट पे एट VT = 0 पे ये चीज जीरो होगी है ना। तो ये क्या है, एक्सिलरेट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसकी, तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो ऐसी आई जाएगी जिससे मास जो है, ये फोर्स जो है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कोई ना कोई ऐसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी लेनी पड़ेगी जिससे कि वैसे ही ये फोर्स दोनों बैलेंस हो गए। अब एक बार बैलेंस हो गए तो ये किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी, ठीक है। तो अब ये उसकी वो वेलोसिटी VT अगर मान ले अपन, तो वहां पे क्या होना चाहिए, MA = KM into VT का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो MC था अपना गाड़ी का मास, तो MC से MC कैंसिल, तो जो A है वो होना चाहिए K into VT का स्क्वायर है ना। अभी अपन ने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है ये 5KV² आ रहा है, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है गाड़ी के ऊपर वो 5KV² आ रहा है। तो यहाँ से कर दूंगा मैं 5KV² = KVT² इन दोनों का यूज करके मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और KVT² ये रहा, के से के कैंसिल। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हैं, या फिर VT कह रहा हूँ मैं इसको, जब ये VT जो है अपना √5V के बराबर आ जाएगा, इसको मैंने रूट ले लिया है, तब क्या होगा, ये जो ड्रैग फोर्स लग रहा है ये इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर ये जो जी एक्सेलरेशन, जो भी जी कॉस थीटा से जितना भी नीचे जा रहा था, उस एक्सेलरेशन उस फोर्स को बैलेंस कर देगा अपना ड्रैग फोर्स। तब उस गाड़ी के पास जो वेलोसिटी थी वो फिक्स हो जाएगी और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगी, और वो वेलोसिटी कितनी होगी, √5V। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसने बोला था फाइंड द स्पीड, तो ये आ जाएगा √5V। और जैसे कि प्रूफ करने को बोला कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से आएगा, तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये किसी ना किसी एक वेलोसिटी को ऐसा लेके आ जाएगा कि उस वेलोसिटी पे अपना जो फोर्स लग रहा है इस गाड़ी पे वो बैलेंस हो जाएगा। तो उस टाइम पे फिर ये गाड़ी उस टाइम के बाद से ये कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगी, फिर ना कोई स्पीड ज्यादा कर पाएगी, और कम करने के लिए ड्रैग फोर्स बढ़ नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।